उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मलोट वैढा गांव के लोग विशेषकर महिलाओं ने वहां खुलने जा रहे शराब के ठेके के विरुद्ध देर शाम मोर्चा खोल दिया। उक्त गांव की महिला मंडल व जन प्रतिनिधियों ने भी मलोट वैढा गांव के कुल्हाड़ा के दरमियान शराब का ठेका खुलने का विरोध किया। महिलाओं ने कहा कि यदि शराब का ठेका खोला गया तो न केवल महिलाएं चक्का जाम करेंगी बल्कि वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। शराब का ठेका खोला तो लगा देंगे आग। महिलाओं का कहना है कि उनकी बेटियां उस रास्ते से स्कूल जाती हैं और शाम को गांव की बहु बेटियां सैर करने उसी तरफ जाती हैं। यदि वहां ठेका खोला गया तो महिलाएं किसी का भी सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यहां पर ठेका खोला गया तो महिलाएं स्वयं लाठी उठाएंगी और यदि मामला हल नहीं हुआ तो ठेके को आग लगा दी जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन व संबंधित विभाग की होगी। मैं सुरेंद्र कुमार, एक्स बीडीसी गांव मलोट, वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूं। मेरे गांव के नज़दीक जो काम हो रहा है बहुत घटिया और मतलब गंदी हरकत हो रही है, क्योंकि सरकार नशे पे लगाम लगा रही है। इधर हमारे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इधर शराब का ठेका खुलवा रहे हैं। इसके लिए हमारी जितने महिला शक्ति है सब इसका विरोध करती है। धन्यवाद। क्या आप विरोध नहीं कर रहे हैं महिला शक्ति? हाँ, हम भी उनके साथ ना, हम उनके साथ विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सुजाता जी। क्या महिला मंडल के आप? महिला मंडल के उप प्रधान। क्या समस्या आपकी, क्यों विरोध कर शराब की? क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध करने के लिए हम तैयार हैं। जो भी काम हमसे होगा, जो जहाँ भी जाना पड़ेगा हम वहाँ पर जाएंगे। दीपक ठाकुर, गांव मलोट का स्थायी निवासी हूँ। मैंने 4 दिन पहले महिला मंडल उप प्रधान प्रधान और सेक्रेटरी से एक एप्लीकेशन लगवाई और मैंने वो SDM कार्यालय इंदौरा में दी। जिस टाइम दी तो SDM साहब ने मुझे बताया, मैंने ले ली एप्लीकेशन आपकी और उन्होंने ETO नूरपुर को लिख दिया ये ठेका शराब का बंद होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ली और रीडर से मैंने उसको फैक्स करवाया ETO नूरपुर। तो SDO साहब ने मुझे पूरा दिलासा दिलाया कि हम जितनी भी कोशिश करेंगे ये ठेका बंद होना चाहिए। धन्यवाद। कामनी वाला, मैं महिला मंडल की अध्यक्ष सदस्य हूँ। हमारे जहाँ जो हमारे गांव के पास ठेका खुल रहा है ना, हम उसके विरोध में सभी औरतें इकट्ठी हुई हैं। अगर हमको इसके लिए किसी से लड़ाई झगड़ा, अगर रास्ता भी जाम करना पड़े हम करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, लड़कियां आती जाती हैं, हमारी औरतें सैर के लिए सुबह शाम जाती हैं। हम इसके विरोध, अगर किसके साथ झगड़ा, डंडा, लाठी जो भी चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। हाँ जी, आग लगाने पड़े तो हम लगाएंगे। मैं ग्राम पंचायत डाकलाड़ा प्रधान रीता देवी, जो भी इस गांव के बोर्ड सभी बोल रहे हैं ठेके के बारे में, तो उनको पहले ये बोला जाए कि जितनी भी वैध शराब जहां बिक रही है उसको सभी को बंद किया जाए। तो जिस दिन वो बंद कर देंगे तो हम दूसरे दिन ठेका बंद करवा देंगे। एन स्टार न्यूज के लिए कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।